हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार गैलेक्सी चैनल। तो इस बार इस सीरीज़ में मैं HPU MSc केमिस्ट्री का पार्ट टू लेकर आई हूँ। पहले पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन पेपर 2019 का था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन पेपर 2023 का, जो लेटेस्ट हुआ था अभी, उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो आंसर्स मार्क्ड है वो आधे गलत है आधे सही है। तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पीछे आंसर कीजिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसकी एक नई वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आंसर्स आपको टिक करके बता दूंगी कौन सा आंसर सही है, और कुछ हम डिस्कस भी कर लेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। तो ये MSc केमिस्ट्री HPU का 2023 के एंट्रांस टेस्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है, हम इसे डिस्कस करेंगे। इसमें आप सभी को पता है 100 आपको क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग HPU में नहीं होती। तो आप 100 के 100 अटैम्प्ट कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। 100 के 100 आप अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे। अगर आप लास्ट में हो, अपने लास्ट ईयर में हो BSc के, अभी से स्टार्ट करोगे तो आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो, इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता। पर हाँ, थोड़ा सा ना आगे MSc लेवल के भी क्वेश्चन ही इसमें डालते हैं जो अभी शायद आपने पढ़े भी ना हो, तो अगर आप उसके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखो, ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है। देखो, पहले तो बहुत ईजी, हर बार मैक्सिमम ऑर्बिटल ही पूछते हैं, या आपसे क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम पूछ लेंगे, या फिर यहाँ आपसे नोट्स पूछ लेंगे, वहीं सब पूछते हैं। तो आपने इन सब के ना स्क्रीनशॉट्स ले लेना वीडियो पॉज करके, या फिर क्वेश्चन खुद लिख लेना जैसे भी आपने करने होंगे। तो मैं इन्हें सिर्फ ऐसे आगे चलाऊँगी, अभी मैं आंसर्स डिस्कस नहीं करूँगी, आंसर्स डिस्कस हम बाद में करेंगे अगर इस पर व्यू रेंज अच्छी रही। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके बाद मैं एक PhD केमिस्ट्री का भी ज़रूर बनाऊंगी। ये HPU MSc केमिस्ट्री 2023 का जो है एंट्रांस क्वेश्चन पेपर है, और हाँ, इसके सारे आंसर सही नहीं है। इसके अगर आपको आंसर कीजिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, आप आगे भी इसे शेयर कर सकते हो। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आप इसे पॉज कर सकते हो, या प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 40, 41, ये देखो क्वेश्चंस का उतने डिफ़िकल्ट नहीं आए थे। देखो, 100 में ऐसे ऑलमोस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके नॉर्मल रेंज में होते हैं BSc के, ठीक है। थोड़े उसके बाद थोड़े से हाई लेवल पे चले जाते हैं, जो MSc की तरफ जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम समझ सकते हैं कि आपने, जैसे एरोमेटिसिटी का देख लो 49th क्वेश्चन, तो ये तो फ्रीडल क्राफ्ट है। फिर नीचे आपके पास, हाँ जो ये NMR आ रही है तो आपने पढ़ी होगी, अगर आपके HPU के अंदर हो रही है बैचलर्स, तो अगर आपने वहाँ पे चॉइस होती है वैसे, तो अगर आपने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ी है देन अनदर थिंग, या फिर अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो आपको ये पता होगा। 253, 54, 55, 56, 57, ये देखो जैसे हीट्रोसाइक्लिक आ गया, चलो हीट्रोसाइक्लिक नहीं होता, ये कुछ बुक्स में चॉइसेस होती है HPU में। तो आपने कुछ पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो इन्होंने सभी का कॉम्बाइन पेपर बनाया होता है कि हर उससे आ जाए, सब्जेक्ट से आ जाए। क्योंकि मैं मान सकती हूँ डायल जेल्ड और रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, बहुत इजी है। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे वीडियो ज़रूर बना लूँगी। नीचे स्टेबिलिटी तो सभी को आती है, ये जैसे चलो मैं नॉरिश टाइप बोल सकती हूँ, नहीं पढ़ी होगी, हाँ जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है उनको फॉस्फोरेसेंस वगैरह का पता, वही फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है। फिर NMR स्पेक्ट्रम, ये मैं समझ सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होता, ये मास्टर्स में पढ़ोगे आप, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है। 64 था ना वो, देन 66, 67, ये थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री है। मिलर इंडिसेस, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, क्लॉशियस मुसेट्टी रिएक्शन, चलो ऐसे कुछ, ऐसे क्वेश्चन नंबर 74 ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें तुक्के ही मानने होते हैं, ये तो किसी ने नहीं पढ़ा होता, ऑब्वियस बहुत रेयर है किसी को पता होगा। ये समझो कि 1000 बच्चे पेपर दे रहे, उसमें से एक बच्चे का हार्डली किसी को पता होगा, अदरवाइज ये नहीं पता होता मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन पर ना फोकस नहीं करना है, जो कॉन्सेप्चुअल्स है वो आप देखो, थियोरेटिकल जितना पढ़ सकते हो जितना आपकी नॉलेज में उतना ठीक है, बाकी थ्योरी इंसान नहीं रट सकता। ये आपका सारा फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। अब मैं पहले भी बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, या प्लेबैक स्पीड कर स्लो करके स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी बने, तो इसलिए मैंने फटाफट से आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिखा दिए, और आंसर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप देखते हो लाइक करा करो, लाइक करने से रीच बढ़ती है।
तो ये 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।